फ्रेंड हम यहाँ पर आए हुए हैं एक जगह जहाँ पे ये आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं कि ये दरमियान से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से इसके लोड सेल वगैरह डैमेज हो चुके हैं और कस्टमर का काफ़ी नुकसान हुआ है। आप साइडों से देख सकते हैं कि इसके लोड सेल भी डैमेज हो गए हैं, और ये क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये प्लेटफॉर्म नीचे गिरा है, मैं आपको नीचे से भी प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। ये आप नीचे से देख सकते हैं कि इनके लोड सेल जो हैं बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं, गार्डर जहाँ पे लोड सेल लगे हुए थे वो भी बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं, नट बोल्ट टेढ़े हो चुके हैं, उसके अलावा लोड सेल जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो अब हम इसके प्लेटफॉर्म को जो है रिपेयर करेंगे, दोबारा सही करेंगे, और जो लोड सेल नए लगते होंगे उसको हम नए लगाएंगे, और उसके अलावा प्लेटफॉर्म गार्डर हम किस तरीके से सीधे करेंगे, और जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नीचे गिरा है उसका भी हम हल निकालेंगे। ये प्लेटफॉर्म असल में पहले मैकेनिकल था, ये कस्टमर ने किसी दूसरे स्केल कंपनियों को बुला के ये काम करवाया है, वो स्केल कंपनी अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म गिरा है तो उनको दोबारा इन्होंने फ़ोन किया था, तो वो अब नहीं आ रहे हैं। मैं उस स्केल कंपनी का आपको नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन यही मैं आपको कहता चलूँ कि ये जो काम है देखने में सिंपल सा है लेकिन ये बहुत टेक्निकल काम है। अगर आप ज़रा सा भी कोई गलती करते हैं, कुछ प्रॉपर तरीके से हल नहीं करते, तो ये प्लेटफॉर्म इसी तरीके से गिर सकते हैं। तो वेवब्रिज का काम हमेशा किसी एक्सपर्ट पार्टी से करवाएं जो वेवब्रिज का एक्सपीरियंस रखती है, ताकि आप इस तरह के बड़े नुकसान से बच सकें। तो आने वाली वीडियो में आप लोगों को ये सब कुछ बताऊंगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने किस तरीके से काम किया है, प्लेटफॉर्म को किस तरीके से हमने सीधा किया है, गार्डर को किस तरीके से सीधा किया है, उसके अलावा इसके अंदर लोड सेल किस तरीके से हमने लगाए हैं, और वो सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियो में इसके ऊपर हमने क्या काम किया है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वेवब्रिज के मुताबिक कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो, या अगर आप लोगों के कोई वेवब्रिज में किसी किस्म का मसला आ रहा है वो हल नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप हमारे से राय ले सकते हैं। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप विंग स्केल इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें, ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।